स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देसीकन भवन का उद्घाटन किया और कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया। आगरा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ संस्था आगरा में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान ICMR के महानिदेशक व सचिव प्रोफेसर बलराम भार्गव भी उपस्थित रहे। इस नए अनुसंधान भवन में COVID-19 की जांच के साथ साथ अन्य अनुसंधान सुविधाएं जैसे पशु लेबोरेटरी, माइक्रो बैक्टेरियम स्पीशीज की होल जीनेम सिक्वेंसिंग एवं औषधीय पौधों से फाइट केमिकल एक्सट्रैक्शन पर एंटी माइक्रो बैक्टेरियम ड्रग का विकास करना भी उपलब्ध है। संस्था में भर्ती कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों का हालचाल केंद्रीय मंत्री द्वारा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्था के उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही कोरोना काल में COVID-19 की जांच, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन सुविधा को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में भारत की उपलब्धियों को गिनाया। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को लेकर कहा, ऐसे लोगों की दलीलों को जनता उठाकर कब का डस्टबिन में डाल चुकी है और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। मौजूदा वक्त में अब तक भारत में 1,95,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। भाइयों का आज उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, क्या कहना चाहते? देखिए, ये जो हमारा संस्थान है जलमा जो है, ये खाली आगरा का ही नहीं या खाली उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये हमारे देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास है और देश से कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को जड़ से मिटाने के लिए मिशन के रूप में काम करने के लिए इस संस्थान की, जापान के लोगों की सहायता से ये स्थापना हुई थी और वो स्थापना भी हुई थी 60 के दशक में। वो जमाना था जब 1,000 की आबादी पर 15 लेप्रोसी के केसेस होते थे। आज सारे देश में हम लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को भी जड़ से समाप्त करने की दिशा में आगे प्रयास कर रहे हैं और उस जमाने से लेकर आज तक की यात्रा में देश के लोगों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बहुत सफलता मिली है। जो एलिमिनेशन के पैरामीटर हैं कि देश में हर डिस्ट्रिक्ट में 10,000 की आबादी पर हमारे एक से कम केस हो जाएं, ये पैरामीटर हमने 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त कर लिए हैं। पूरे देश के लिए एक से कम केसेस हमारे हों, ये जो पैरामीटर है ये तो हमने 2005 में प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी जो बची हुई कुष्ठ रोग को समाप्त करने की लड़ाई है, रोगियों को जल्दी से ढूंढना, उनका इलाज करना, उनको दवा देना, उनको रिसर्च के हिसाब से जो जो कुछ किया जा सकता है वो करना, उनकी सर्जरी करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको पर्याप्त मात्रा में सब प्रकार की सुलभता से सहायता करना, इन सब कामों को करने में ये जो हमारा संस्थान है ये एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है, आदर्श भी प्रस्तुत कर रहा है। ये ICMR का प्रतिष्ठित संस्थान है और इसी के साथ साथ जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, कुष्ठ रोग के साथ साथ हम 2025 तक भारत से टीबी को भी जड़ से एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए भी अभी ये हमारा जलमा संस्थान जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पिछले एक साल में ICMR ने कोविड के खिलाफ जंग में लैब की स्थापना से लेकर देश की लेबोरेटरीज के लिए किट की व्यवस्था करने तक, वायरस के आइसोलेशन से लेकर और वैक्सीन के डेवलपमेंट तक, और अब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वैक्सीन को देश के लोगों तक उपलब्ध कराने की यात्रा, उसको सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ाया है। आज यहाँ जब इस संस्थान में नई बिल्डिंग जहाँ बायो सेफ्टी लैब 3
एनिमल स्टडीज के लिए और भी दूसरी चीजें जो ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के खिलाफ हमारे संघर्ष में हमें।